हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा वोकैब का सेशन अगेन, फिर हम क्या लेके आए हैं, वोकैब विद देसी जुगाड़। कैसी ट्रिक है ऐसे ना, कोई ना कोई हम ऐसे कोई देसी ट्रिक बनाते हैं जिससे आपको क्या रहे, वोकैब याद रहे। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? आज का हमने वर्ड लिया राउट। क्या मीनिंग लिया? राउट। राउट, देखिए इसकी क्या ट्रिक बनाई, आउट। क्या लिया? राउट से मैंने क्या लिया, आउट। मान के चलो आप किसी खेल में खेलते हो और आप उस खेल से हो जाओ आउट। क्या हो जाओ? आउट। मतलब इसकी क्या मीनिंग हुआ इसका? मतलब हार जाना। क्या मीनिंग हुआ इसका? मतलब हार जाना, डिफीट। राउट यानी कि राउट। राउट के हमने क्या ट्रिक बनाई, आउट। और आउट का मतलब क्या हुआ कि डिफीट, हार जाना। नेक्स्ट एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया? फेलिसिटी। क्या वर्ड आया? फेलिसिटी। क्या वर्ड आया हमारा ये? फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है कि खुश होना, बहुत ज्यादा आनंदित, मजे लेना। देखिए यानी इसी मैंने क्या ट्रिक मनाई, फैली यानी कि अपनी सिटी क्या होगी, फैलगी, स्प्रेड होगी अपनी सिटी। मान के चलो अपनी सिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, अपनी सिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अगर अपनी सिटी फैल जाए तो हमें क्या होगी, खुशी। किस चीज की खुशी होगी? बहुत ज्यादा हम खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो मतलब इसकी ट्रिक क्या होगी, फैली सिटी यानी कि अपनी सिटी फैल गई, स्प्रेड हो गई यानी कि ब्लिस। यानी कि खुशी, एंजॉय, हैप्पीनेस यानी कि अपनी सिटी, फैली सिटी का मतलब क्या होता है, ब्लिस। नेक्स्ट एक वर्ड आया एंटीपैथी। क्या वर्ड आया? एंटीपैथी। क्या वर्ड आया नेक्स्ट? एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई, अंटी। अंटी, अंटी हमसे क्या करती है, अंटी हमसे क्या करती है, हेट। इसका मतलब क्या होता है? हेट, नफरत करना यानी कि डिसलाइक। एक और सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, डिटेस्ट। यानी कि एंटी, एंटीपैथी से हमने क्या लिया कि सॉरी यहां पर एच आएगा, एच और कर लो, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या हो जाएगा, हेट, डिसलाइक या डिटेस्ट। इसकी ट्रिक क्या बनाई हमने, अंटी। अंटी हमसे क्या करती है, नफरत करती है या अंटी हमसे घृणा करती है। नेक्स्ट एक वर्ड आया मीक। क्या वर्ड आया? मीक। नेक्स्ट हमने वर्ड देखा मीक। मीक से कर लो वीक। मीक से क्या कर लो, वीक। मीक से वीक, ऐसा बंदा जो विनर्म हो, शांत स्वभाव का हो, उसको क्या बोलते हैं, मीक। मीक की क्या ट्रिक बनाई, वीक। वीक कमजोर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति आपको पता है विनर्म होता है, शांत स्वभाव का होता है। तो हमने क्या इसकी ट्रिक बनाई, मीक से कर लो वीक। सबमिसिव, यानी कि मीक से हमारा क्या हुआ, कमजोर या सबमिसिव। मीक से मतलब ट्रिक क्या बनाई, वीक। और वीक का मतलब क्या था, सबमिसिव। नेक्स्ट एक वर्ड आया हमारा, क्या वर्ड आया, बेनेवोलेंट। क्या क्या वर्ड आया, बेने, क्या नेक्स्ट वर्ड आया, बेनेवोलेंट। और मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई कि मैंने उठाया बहने, क्या थी, दो बहने थी। क्या थी, दो बहने। और वो दो बहने क्या थी, दयालु थी, परोपकारी थी, किसी को परोपकार करने वाली थी। मतलब दो बहनें क्या करती थी, वो बहुत ज्यादा दयालु थी या परोपकारी थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, काइंड। क्या, काइंड। शायद आपको इसमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से। राउट, इसकी ट्रिक क्या बनाई, आउट। आउट हो जाना मतलब डिफीट। फेलिसिटी, अपनी सिटी क्या होगी, फैल गई यानी कि हमें क्या होगी, खुशी, आनंदित। एंटीपैथी, अंटी, अंटी हमसे क्या करती है, हेट, नफरत, डिसलाइक, घृणा, डिटेस्ट। एक नेक्स्ट वर्ड है मीक। मीक का मतलब मैंने ट्रिक बनाई, वीक।
वीक बंदा कैसे होता है, विनम्र स्वभाव का होता है, यानी कि सबमिसिव। एक नेक्स्ट वर्ड क्या है, बेनेवोलेंट, और बेनेवोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, काइंड, यानी कि दयालु। इसी ट्रिक हमने क्या बनाई, बेने, दो बहने क्या है कि दयालु है और वो क्या करती है कि काइंड, काइंड का काम करती है। नेक्स्ट एक वर्ड आया मर्की, क्या वर्ड आया, मर्की, मर्की, मर्की से कर लो मर्गी, क्या मर्गी, मर्गी। मान के चलो अपने घर में हो जाए किसी की डेथ, तो क्या होता है, एकदम सारे क्या होते हैं, उदास, सैड। और इसका एक मर्की से आप मीनिंग कर लो कि जिसको अस्पष्ट ना दिखाई दे, क्या कोई चीज अस्पष्ट ना हो, बिल्कुल कोई चीज डार्क में हो, यानी कि ग्लूमी। क्या सिनोनिम हो जाएगा इसका, ग्लूमी, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अस्पष्ट ना हो, धुंधली दिखाई दे, तो मर्की। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा ओपैक, ओपैक, यानी कि इतने आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में डस्टर कहां पर है, डस्टर ये रहा, आगे देखते हैं। मर्की, मर्की क्या, हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि मर्की। नेक्स्ट एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया, स्वैप, क्या वर्ड आया, स्वैप। स्वैप आपको बताया कि आप एटीएम कार्ड स्वाइप करते हो, स्वैप मतलब उससे ट्रिक बना लो, एटीएम कार्ड हम क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है कि कोई चीज एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, एक्सचेंज करना। स्वैप का मतलब क्या हो जाएगा, इसी ट्रिक है भाई, हम एटीएम कार्ड अपना स्वाइप करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, स्वैप, स्वैप का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज एक्सचेंज करना। नेक्स्ट एक वर्ड आया प्रूडेंट, क्या नेक्स्ट वर्ड आया, प्रूडेंट, प्रूडेंट। देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कौन होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, या प्रूडेंट का मतलब होता है कोई चीज सिद्ध करना, ठीक है। मान लीजिए इसका स्टार्ट में एक वर्ड रहा मैंने प्रू, प्रू, प्रू कौन करके दिखाता है अपने आपको, जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आपको क्या करता है, सिद्ध करके दिखाता, प्रूव करके दिखाता, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वाइस, क्या हो जाएगा, वाइस। प्रूडेंट के मैंने क्या ट्रिक बनाई कि प्रूव, प्रूव कौन करता है, जिसमें कुछ करने का दम हो या जिसमें कुछ करने का टैलेंट हो, वो क्या करता है, प्रूव करता है अपनी लाइफ में, इसका क्या मीनिंग, क्या सिनोनिम हो जाएगा इसका, वाइस। प्रूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वाइस। नेक्स्ट एक वर्ड आया नोविस, क्या वर्ड आया, नोविस, क्या वर्ड आया, नोविस, नोविस, नोविस से कर लो नया नया, क्या कर लो, नोविस, नोविस मतलब नया नया, यानी कि कोई काम को सीखने वाला, किसी काम की शुरुआत करने वाला, नोविस का मतलब क्या होता है, बिगनर, बिगनर। नोविस का मतलब क्या होता है कि बिगनर, नोविस का मतलब क्या होता है, बिगनर। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा जिसको बोलते हैं न्यू, न्यूबी, क्या हो जाएगा, न्यूबी, न्यूबी, यानी कि इसकी ट्रिक क्या होती, न्यू और बाई, न्यू बाई, न्यूबी। नोविस का मतलब क्या होता है, बिगनर, किसी चीज की शुरुआत करने वाला, कोई लर्नर, सीखने वाला, इसको बोलते हैं नो सिकिया, यानी कि बिगनर और न्यूबी, न्यूबी। नेक्स्ट एक वर्ड है रेलिस, क्या वर्ड है, रेलिस, क्या वर्ड आया, रैलिस। इसकी क्या ट्रिक बनाई, स्टार्टिंग में उठा लिया मैंने रैली, क्या रैली, और रैली में क्या करते हैं लोग, इंजॉय, मतलब क्या खुश, देखा मतलब क्या होता है, इंजॉय, इंजॉय। स्वैप, स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। प्रूडेंट, प्रू कौन करे दिखाता, वाइज, बुद्धिमान व्यक्ति। नोविस, बिगनर, न्यूबी। रैलिस, रैलिस का मतलब क्या था, एंजॉय। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपको पता कि नॉलेज देने से क्या होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है,
तो आप आशा है कि ये उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे जिस बच्चे को इसकी रियलिटी में जरूरत है। जो बच्चा ट्यूशन क्लासेस नहीं जा सकता या महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या है ये एक रामबाण सिद्ध होगी। जिस बच्चे को इंग्लिश में नहीं आता उसके लिए क्या होगी, एक रामबाण सिद्ध होगी, रामबाण। तो आशा है कि आपको इसकी क्या रामबाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनासिया। आशा है कि आपको शायद मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, लेकिन मैं बार बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कर दीजिएगा कि नॉलेज शेयर करने से ज्यादा इंक्रीज होती है। शायद देखिए उस स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको रियलिटी में वास्तविक में इस वीडियो की जरूरत है। ओके बाय, थैंक यू।